मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। खरगोन जिले के मंडलेश्वर में जमीन विवाद के चलते दो पक्षों में जमकर पथराव हुआ। श्रीनगर कॉलोनी की घटना है। दो पक्षों में पाटीदार और दलित समाज के लोग आमने सामने हो गए थे। अब पथराव का वीडियो वायरल हो रहा है। एसपी सिद्धार्थ चौधरी के निर्देश के बाद मंडलेश्वर पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। जमीन विवाद को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने हो गए थे। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली। मंडलेश्वर पुलिस अब आरोपियों की तलाश कर रही है। एसपी सिद्धार्थ चौधरी ने मीडिया को बताया कि जमीन से जुड़ा विवाद है, 6 आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। पुलिस की विवेचना जारी है, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमारा मामला ये है कि हमारे जैसे प्लाट पे इन लोगों ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया। वो तहसीलदार को पैसे देके इन्होंने हमारी जमीन हड़प ला ली थी। हमारी तारीख 8 लगी हुई थी, 5 तारीख को ही हमको नोटिस मिला और नहीं कहीं कागज दिया। तो इस चीज को लेके आपके द्वारा कहीं शिकायत की गई है? हमने खरगोन कलेक्टर में भी करी है, एसपी को भी दी है और मंडलेश्वर भी दी है और 181 पे भी दे रखी है। तो सामने वाले के द्वारा क्या आपको प्रताड़ित किया जा रहा है? हाँ, ये सामने वाले 25-25 व्यक्ति लाके हमारे बहन बेटे को भी गलत देखते हैं, या हमको मारने के दौड़ते हैं। और ये बड़े दबंग आदमी है, ये एक पाटीदार है और 3 ब्राह्मण है। ये हमको बार बार मतलब गालियां, 50-50 लड़के हैं, ये सब इनका साधन रखा हुआ है। खाने पीने को वही रखते हैं, पानी वही रखते हैं, हमको मारने को 50-50 लड़के लाते हैं। ये सब यहीं खड़े हुए हैं अभी भी। तो किसकी है आपकी जमीन? है जमीन हमारी, हमारे बाप दादा की, हमारे खानदानी जमीन है, आज की जमीन नहीं है। हम तो जिंदगी से यहीं के रह रहे, तो आप देखो अभी तक टापरा नहीं बना लेते हम। कितने समय से केस चल रहा है आपका? केस तो अभी इन्होंने लगाया, हमको तो पता भी नहीं था कि इन्होंने क्या करा है। हम तो यहाँ बैठे हुए, इन लोगों ने क्या करा कि रजिस्ट्रिया क्या मालूम कब से करवा ली, क्या क्या करवा। 33 साल से ये बता रहे रजिस्ट्री हमारी है, तो 33 साल से होती थी, कब्जा नहीं करते 33 साल से। 88 की रजिस्ट्री बता रहे वो लोग, और जबकि 88 की रजिस्ट्री है, कब्जा 1 साल में हो जाता है, आदमी अपना कब्जा नहीं लेता। 33 साल से कहाँ गए थे ये लोग जब इनका कब्जा था तो। और इन लोगों ने पूरी रजिस्ट्रियों को कटापिटी करके, नंबर इधर के उधर करके, सब पूरी चतुर्सीमा को काट के, नहीं हमारी उसमें कोई नंबर ही नहीं है। उसमें जो ये रजिस्ट्री है ना, रजिस्ट्री पे कोई नंबर नहीं है, इस नंबर के प्लाट ही नहीं हमारे पास। चतुर्सीमा अलग जा रही है, प्लाट नंबर अलग जा रहा है, उसमें कोई वो मेल मिलाव नहीं है, वो टोटल अलग ही है। हमारी कॉलोनी में ऐसा नंबर ही नहीं है कि चतुर्सीमा अलग जाएगी ना प्लाट नंबर अलग जाएगा। किनके द्वारा कार्रवाई की गई थी अभी बीच में? ये ओम प्रकाश पाटीदार, उर्मिला व्यास और मनोरमा व्यास। ने शासकीय अधिकारी किनके द्वारा कार्रवाई की गई? डोके के साथ। डोके साहब, क्या नाम लिखते हैं आप? दिनेश गंगारे लिखता हूँ सर। जी, रात्रि में दो पक्षों के बीच झगड़ा हुआ, जिसमें जमीन को लेके विवाद थे दो पक्षों के बीच, इसको लेके दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ और पथराव भी हुआ है। तो पुलिस ने तत्काल ही कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को के खिलाफ एक एफआईआर किया है, उसमें हम कार्रवाई कर रहे हैं। वीडियो वायरल हो रहा था, चूँकि अब आजकल सोशल मीडिया तुरंत ही करते हैं, तो उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं, चूँकि अपराध भी पंजीबद्ध हो गया और हम उसकी गिरफ्तारी कर विधिवत कार्रवाई कर रहे हैं। गिरफ्तारी हुई सर? हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं अभी।